स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आजा संतोष। बाबू, बाबू, आप यहाँ? मेरा मतलब है कि आप यहाँ कैसे? अरे इतना बड़ा चमत्कार हुआ है अजमेर में। शिव जी की मूर्ति निकली है जमीन से टीवी में देखने की। चलो चलो। नहीं नहीं बाबू, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है? अरे वो हमारे मित्र शुक्ला जी है ना, वो फोन करके कह रहे थे कि ये सारी घटना टीवी पर दिखा रहे। चरण पड़े हैं यहाँ पर प्रभु की हम पर और अजमेर वासियों पर विशेष कृपा हुई है, इसलिए यह स्थान अब साधारण स्थान नहीं रहा। इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम महादेव के इस प्रतिरूप मूर्ति को और इस पवित्र स्थान का खास ख्याल रखें। हमें इस पवित्र स्थान की घेराबंदी करनी होगी ताकि इस मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। मूर्ति की प्रतिष्ठा इसी स्थान के मध्य भाग में होगी। उसके पहले ये द्वार हमें बंद करना होगा। अरे लेकिन स्वामी जी, अगर गेट ये बंद हो गया तो हम कॉलेज में आएंगे और जाएंगे कहां से? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने विद्यालय जिस तरह आते रहे हैं उसी तरह आते जाते रहेंगे। आपकी शिक्षा में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। भगवान अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। हमें तो धरती के इस भाग में सिर्फ पूजा अर्चना करनी है। मालती जी। जी स्वामी जी। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो उस द्वार की चाबी आप हमें देंगे। वो क्या है ना कि हमारे भक्त बार बार आपको परेशान ना करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप द्वार की चाबियां मुझे दे दें। आप लोग पीछे के रास्ते से आ जा सकते हैं। ये लीजिए। धर्म की आड़ लेकर स्वामी जी अपना कौन सा मतलब पूरा करना चाहते हैं? स्वामी जी महाराज की जय हो। अरे भैया ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता, समझो साक्षात महादेव ने दर्शन दिए हैं। भाई साहब कैसे चमत्कार? अरे मैडम जाइए जाइए, सब लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए टीवी में। देखिए टीवी में? जी। कल रात अचानक महाशिव भक्त स्वामी वल्लभाचार्य के स्वयं भगवान शिव ने दिए दर्शन और अजमेर के नाइट कॉलेज के प्रांगण में प्रकट होने का दिया संकेत। स्वामी जी के साथ कई लोगों के सामने प्रांगण में जमीन से प्रकट हुई भगवान भोले शंकर की प्राचीन मूर्ति। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो वाकई बहुत बड़ा चमत्कार है। और देखते ही देखते अजमेर स्थित ज्ञानदीप संध्या कॉलेज आस्था का नया केंद्र बन गया। ज्ञानदीप संध्या कॉलेज,
ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये नाम कहाँ सुना है? खुश नसीब है वो लोग जो इस दैवीय चमत्कार के साक्षी बने। अरे सूरज जा, संध्या भाभी। इसका मतलब ये वही कॉलेज है जहाँ संध्या भाभी पढ़ती है। हे भगवान, आज पहली बार अच्छा लग रहा है कि भाभू ने घर में टीवी नहीं लगाया, वरना आज संध्या भाभी को यहाँ देखकर तो भाभू के सामने सारा भेद खुल जाता। संतोष भाबो आप यहाँ? मेरा मतलब है कि आप यहाँ कैसे? अरे इतना बड़ा चमत्कार हुआ है अजमेर में, शिव जी की मूर्ति निकली है जमीन से टीवी में देखने की। चलो चलो। नहीं नहीं भाबो, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है? अरे वो हमारे मित्र शुक्ला जी है ना, वो फोन करके कह रहे थे कि ये सारी घटना टीवी पर दिखा रहे। अब दाईसा का टीवी तो खराब है, इसलिए सोचा मुन्ना नाई के यहाँ ही देख लूं। अरे आज हमारे स्कूल में भी ना सारे बच्चे मिलकर उस शिवलिंग की बात करते कि वो शिवलिंग जमीन के अंदर से कैसे निकली। हमने जब मिलकर मास्टर जी से पूछा तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। काश आज संध्या भाभी यहाँ पे होती, वो फट से जवाब दे देती। कोई ज्योतिषी है क्या तारी भाभी जो हर सवाल का जवाब दे देगी? रे ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, ये सब बातें बाद में करांगा। चल बाबू आप मत देखो। क्यों? मैं ऐसी कोई पापन हूँ जो भगवान के दर्शन न कर सकूं? हे मारा राम जी, मैं तो दर्शन करूंगी। रे इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। नहीं नहीं भाबू, वो बात नहीं है, दूध वाला आने वाला है। आपने कहा था ना आजकल वो दूध में बहुत पानी मिला रहा है, आप उनसे बात करना चाहती थी ना, इसलिए कह रहे हो। घर चलिए ना। चुप कर रे, मैं मीना बिनी ने सब समझा दियो है, अब टेम खोटी ना कर। नहीं नहीं बाबू। भाई साहब हटिए। एक मिनट भाई जी, एक मिनट। अरे अरे बंद हो गया ये। पापा क्या हो गया इसे? विक्रम हमारे आते टीवी के यहाँ बंद हो गया। पर बाबा हमारी दुकान तो है नहीं है। रे अरे मुल्ली भाई, ये क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? पता नहीं विक्रम भैया, सुबह से तो ठीक ठाक चल रही थी। अरे भगवान के दर्शन ही को नहीं हुए। बाबा मैं तो बोल ही रहा था घर पे टीवी ले लेते हैं एक। नहीं या, कोई जरूरत नहीं। अचानक स्वामी जी का सपना आना, अचानक से शिवलिंग का प्रकट होना, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं संध्या जी, भगवान के चमत्कारों पे शंका नहीं करते। आपको पता है बचपन में भाभों में ऐसे बड़े किस्से कहानियां सुनाया करती थी। ये दिन रात भक्ति में लीन रहने वाले जो स्वामी जी होते हैं ना, ये बड़े ही शक्तिशाली और चमत्कारी होते हैं। बल्कि भगवान खुद स्वयं आके इनको अनोखी अनोखी शक्तियां देके जाते हैं। हाँ देखना मारे को अच्छा को नहीं लग रहा। तो फिर थारी माँ ने भेज देना अठे मायके से, थोड़ा हाथ बटा देवेगी मारो। काम कर तो अच्छा को नहीं लगे। रे तू क्यों रुक गई? अरे हाथ चला जल्दी, जया मुंह साफ करे है ना, भैया आंगन ने भी साफ करे। हे मारा राम जी। संतोष इतना अरे अरे मरा राम। संतोष मैंने तो ऐसा लगा था सिर्फ पानी से साफ कर रहे हो, ये थोड़ी पता था कि उसमें साबुन भी है। आंधा हो गया ओके, दिखे कोनी के।
अब सुन तो दोनों पैर हवा में रखूं के? अब आराम से जाकर बैठ जाओ बट्ठे। संतोष मैं थारे लिए मूंगफली लाया था संतोष गर्मा गर्म। मूंगफली? मूंगफली? वो सर्दियों के लिए अच्छी हो गई है ना बाबू? संतोष जाने दे ना, पेट में टावर है ना तो खाने का मन हो गए। ध्यान से जाओ। जरा जरा रुक जाना बिंदी। न जाने कौन सा पाप कर बैठे थे जो भागे भागे गए फिर भी शिव जी के दर्शन ना हो पाए। और ये बिजली भी आजकल धर्म की दुश्मन हो गई। भावो अभी अगर हमारे घर में टीवी होता ना तो आप शिव जी के दर्शन भी कर लेते। पता है आजकल घर पे बैठे बैठे टीवी में बड़े बड़े मंदिर और तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। रे अच्छी तरह जानू था लोगा की मनसा ने। भजन के नाम पर टीवी तो मंगवाओगा और फिर देखता फिरोगा फिल्मी नाच गाना। रे बाबा बिल्कुल। अरे 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 राम से जी। हे मरा राम जी, एक से बढ़कर एक। रे बाबा बिल्कुल सही कहा आपने। अरे भजन ही सुनना है तो उसमें टीवी की क्या जरूरत है? टेप से सुन सकते हैं। अच्छा क्यों करना बेकार का? ठीक का चलत। थोड़ा काम कर ले। ले शुरू कर। हे मारा राम जी। अरे भाई क्या हो गया है? क्या हो गया इतना शर्मा क्यों रहा तू? वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, अब क्लाइंट चले गया चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने, मीटिंग हो गई कैंसिल, मेरी भी छुट्टी हो गई। झाड़ू लेके तू भी शुरू हो जाना बेटा। ले अब तो देखेगा भी नहीं। अरे संतुड़ी ताईसा। अरे तेरे को मालूम है क्या अजमेर में निकली हुई चमत्कारी भोलेनाथ की मूर्ति के बारे में? अरे पुष्कर तो के आसपास को सारो गांव मूर्ति का दर्शन करने के लिए उमड़ रहे है। अरे सुना है कि दर्शन करते ही भोलेनाथ है ना सब इच्छा पूर्ति कर देवा है। पुष्कर से तो बस लद लद कर जा रही है। अपनी अपनी किस्मत है दाईसा। मारो सूरज अट्ठे हो तो ना तो मैंने आज ही अजमेर लेकर जाता। भाबो भैया है माना है भाबो पर मोहित है, मैं भी हूँ, हम थारे तीन बेटे हैं ना। मेरा बस चले ना बाबू, एक मिनट में ले जाऊँ तुझे। ये देखो शरवण कुमार बन रहे। और बाबू दुकान पे ना माल आने वाला, अभी देख के उतरवाना पड़ेगा ना। एक मिनट में ले जाता बाबू तुझे मैं। रे मारो बेटो तो गाड़ी लेकर आयो हमारे लिए, मैं लोग सब तो पी में बैठ कर जा रहा, अगर जगह बची ना सबको बैठने के बाद तो भी चाली हमारे साथ है। आग लगा रही है। मैं ना खबर करूं जगह है कि नहीं, ठीक है? जगह देती हूं। आंधी तूफान चूक सके पर मौका मिलते ही ताईसा ताना मारने से ना चूके। इसकी गाड़ी में बैठी मरी जूती क्या सोच रही है? हाँ हाथ चलाओ कि नहीं। रे मोहित थारी तो आज छुट्टी है ना, तू ही लेकर चाल मने अजमेर। अजमेर पर भावो अब परवर की जगह बची है क्या? जब जाना है तो जाना ही है अजमेर। और फिर देख थारे लिए भी बढ़िया ही होवेगो। रे चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करेगो ना तो थारी नौकरी में भी तरक्की होवेगी और हो सके ताने चोखी भीननी भी मिल जावे। सही कह रही है तेरे बाबू। चमत्कारी मूर्ति एमिली के कॉलेज में निकली है, वहां एमिली ने मुझे देख लिया तो सीधे सीधे गले पड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं उसका कुछ करना होगा। ठीक है बाबू मैं लेके चलता हूँ आपको अजमेर, लेकिन उससे पहले मुझे ना थोड़ा जरूरी काम निपटाना है, मैं आता हूँ जाके। हाँ।
साथी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।